So hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing well. So today we will learn the chapter statistics of our class 10th mathematics. It's our 14th chapter and after it only one chapter will be left. Okay, so today we will complete the whole chapter. So first start with the mean of group data. Okay, in this chapter we will learn about three types to find out the mean. Okay, three formulas to find out the mean. Formula first we have already learned, and today we will learn the formula second and third. I think third formula has been removed from our syllabus, but it is not mentioned in the PDF, so I can't say about that. Okay, but we will learn that. Okay, we will learn that also. So firstly see that mean of group data using direct method. Okay, so the method that we have learned is called direct method. This is x bar ko hum x bar se hum kya represent karte hain, x bar se hum represent karte hain hamare mean ko, theek hai. x bar se hum kya represent karte hain, x bar se hum represent karte hain hamare mean ko, theek hai. ab hamara mean nikalne ka formula kya hota hai, ek to jo humne bahut choti classes mein padhaya hai, sum of observation upon number of observation, theek hai. और एक जो वो जो हमारा फॉर्मूला होता था वो होता था हमारे अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था. अब यहाँ हायर क्लासेस में क्या हो जाता है, हमारा डेटा हमें ग्रुप्ड करके दे दिया जाता है, अब हमें उस ग्रुप्ड डेटा का मीन बताना होता है. सो इन दैट केस वी विल यूज़ द फॉर्मूला समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, ठीक है. समेशन मतलब जो सिग्मा का साइन होता है हम उसे समेशन बोलते हैं, ठीक है. सो इसको रीड करेंगे, समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, वह एफ आई इज़ द फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क एक्स आई, ठीक है. जो हमारी एफ आई होती है वो क्या होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी होती है किसके करस्पॉन्डिंग, हमारा जो क्लास मार्क है एक्स आई उसके करस्पॉन्डिंग. सो लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल. कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन अ यूनिट टेस्ट, ठीक है. क्या दिया है हमें, एक स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं जो उसने यूनिट टेस्ट में स्कोर किए, ठीक है. बल्कि एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, ठीक है, जो एक क्लास के हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं जो उन्होंने एक यूनिट टेस्ट में स्कोर किए. अभी हमें एक टेबल दी हुई है कि 10 से 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए, 20 टू 30 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए, 30 टू 40 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के आए, एंड 40 टू 50 मार्क्स 14 स्टूडेंट्स के आए, ठीक है. हमें क्या बोला है, फाइंड द मीन मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द मीन मार्क्स ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट. वी कैन ऑल्सो से दैट मीन इज़ एज सिमिलर एज एवरेज. ओके, सो हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन, वी मेक अ टेबल इन विच फर्स्ट कॉलम इज ऑफ क्लास इंटरवल, सेकेंड इज ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड इज ऑफ क्लास मार्क्स. बिकॉज हियर क्लास इंटरवल आर गिवन, सो वी हैव टू फाइंड द क्लास मार्क. ओके, एक हमारा वो भी केस होता है जिसमें हमें एक्स आई दिया होता है, एफ आई दिया होता है, वो केस तो बहुत सिंपल होता है, बट जहाँ हमें क्लास इंटरवल दिया होता है वहाँ हमें पहले एक्स आई और वी कैन से क्लास मार्क हमें पहले फाइंड आउट करना होता है. वो हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारी लोअर लिमिट होती है प्लस अपर लिमिट अपॉन टू, और यू कैन से द एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. ओके, सो क्लास मार्क ऑफ फर्स्ट इंटरवल इज 15, सेकेंड इंटरवल इज 25, थर्ड इज 35 एंड फोर्थ इज 45. नाउ वी हैव बोथ, विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई. सो फॉर क्लास इंटरवल फर्स्ट एफ आई एक्स आई विल बी इक्वल टू 60, एंड फॉर सेकेंड इट इज़ 175, एंड फॉर थर्ड इज इट 525, एंड फॉर फोर्थ इट इज 630. ओके, सो समेशन ओवर एफ आई इज 40, मीन्स सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, एंड समेशन ओवर एफ आई एक्स आई विल बी इक्वल टू 1390, मीन्स सम ऑफ ऑल एफ आई एंड एक्स आई. देयरफॉर मीन विल बी इक्वल टू समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, दैट विल बी इक्वल टू 1390 अपॉन 40, दैट विल बी इक्वल टू 34.75, ठीक है. तो ये हमारे जो हमारे मीन मार्क्स होंगे जो ऑब्टेन किए गए हैं क्लास में स्टूडेंट्स के थ्रू, वो हमारे कितने होंगे, 34.75. ओके, दस द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इज 34.75, ठीक है. इतनी बात क्लियर हुई, बिल्कुल. ये चैप्टर हमारा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेंथी है, बट हम इसको बहुत शॉर्ट में कवर कर लेंगे, और वैसे एक तरह से देखा जाए तो लेंथी भी नहीं है ये चैप्टर,
छोटा ही है बट फॉर्मूला थोड़े क्लास 9th का कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हैं। ओके सो लेट्स मूव ऑन। अब हम मूव करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ, ठीक है। अब जब हमें पता है हमारा डायरेक्ट मेथड इतना सिंपल है तो हम एज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ क्यों जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे में किसी किसी केस में क्या होता है, जो हमारा एफ आई या एक्स आई का प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ रहा होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्स आई होती है, ठीक है, जो हमारे एक्स आई होती है उसमें से हम क्या करते हैं, हम बीच की कोई जितनी भी हमारी एक्स आई होती है उसमें से हम क्या करते हैं, क्लास मार्क में से हम कोई बीच की फ्रीक्वेंसी उठा लेते हैं, सॉरी बीच का हम कोई भी एक क्लास मार्क उठा लेते हैं मिडिल का, ठीक है। अब आप कहीं अगर सिक्स आए हैं तो हम कौन सा डाले, तो हम थर्ड या फोर्थ वाला ले सकते हैं। फिर हम उसको ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, हम उसे हर क्लास मार्क में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे हमारा रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। फिर हम उस नंबर को क्या करते हैं, हर क्लास मार्क में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन जो हमारे पास निकल के आता है वो हमारा होता है डी आई, ठीक है, और उसको हम और क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। ओके यस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेविएशन। तो ये जो हमारा डी आई होता है ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, क्योंकि जो हम जो एक पर्टिकुलर हम उसमें से मींस हर क्लास मार्क में से हम एक जो पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो हम डी आई को कैसे लिख सकते हैं, हम डी आई को डिनोट कर सकते हैं एक्स आई माइनस ए। और अज्यूम मीन मेथड मींस हम अगर ये जो हम ए माने ये हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये मीन है, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड इज़ एक्स बार मींस मीन दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस डी बार, ठीक है, और वी कैन से ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने जो डायरेक्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट मेथड में हो जाता है समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, यहाँ हो जाता है हमारा ए प्लस ए जो हमने जो अपना एज्यूम किया था, जो हमने मीन एज्यूम किया था वो होता है, और हमारे जो डी आई हमने निकाले गए होते हैं वो क्या करते हैं, हम उसकी एफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो पूरा क्या बनता है, ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। द टेबल बिलो शोन द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर वर्क इन 30 days इन अ पर्टिकुलर स्कूल, ठीक है, हमें एक टेबल दी हुई है जो एक अटेंडेंस शो कर रहा है 30 working days की, ठीक है, अटेंड जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शो कर रहा है 30 working days की इन अ पर्टिकुलर स्कूल, एक पर्टिकुलर स्कूल की, ठीक है। सो 300 to 320 अटेंडेंस किसकी है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 8, ठीक है, एंड मतलब 8 दिन हमें 300 से 320 तक अटेंडेंस मिली, ठीक है। 6 days हमें कितनी मिली, 320 to 340, 7 days हमें मिली 340 to 360, एंड 6 days हमें मिली 360 to 380, एंड 3 days हमें मिली 380 to 400, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो हमारे सारे ही मीन वाले जो हमारी टेबल्स होती हैं उसमें अप्लाई होता है, कभी कभी जो हमारा होता है ना डेटा जो हमें गिवन होता है टेबल में वो कैसा होता है, ठीक है, मीन्स उसके जो क्लास मार्क्स जो हमारे क्लास इंटरवल होते हैं वो डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये जो हम केस देख रहे हैं अभी ये तो सारे कंटिन्यू है, मीन्स अगर एक 320 पे एंड हो रहा है तो दूसरा भी अगर एक की हमारी अपर लिमिट 320 है देन जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट 320 होगी। बट एक केस हमारा ऐसा भी हो सकता है जहाँ हमारी वी कैन से द अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 320 बट द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इज 321। ओके तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो हमारी टेबल होती है उसको हमें पहले कंटिन्यूस बनाना पड़ता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूस से पहले कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, हमने 9th class में भी सीखा था, हम क्या करते हैं अपर लिमिट में से जो है हम उसमें 5.5 प्लस कर देते हैं, और जो लोअर लिमिट होती है उसमें से हम क्या करते हैं 0.5 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी क्या हो जाती है, उससे फिर ये हमारी सी पूरी हमारे जो क्लास मार्क क्लास इंटरवल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फिर वो कंटिन्यूस हो जाते हैं, देन हम आगे कुछ भी करते हैं उसमें, ठीक है, देन हम आगे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमारी जो है वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट है तो उसमें सिंपल हमारा डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, कंटिन्यूस है छोटे नंबर्स हैं तो हमारा डायरेक्ट मेथड लग जाएगा, अगर बड़े नंबर्स हैं तो हमारे क्या लग
तो हमारा लग जाएगा एज्यूम मीन मेथड, और अगर उससे भी तो हमारा लगेगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, थ्री मेथड है इसमें। डायरेक्ट मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन मेथड पे हम पढ़ चुके हैं, एग्जांपल देखेंगे उसका, एंड स्टेप डेविएशन मेथड हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, एग्जांपल हमने पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ, तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, फाइंड द एवरेज अटेंडेंस इन दिस। अटेंडेंस मीन्स एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एवरेज इज इक्वल टू मीन। ओके, यू कैन से दैट एवरेज इज इक्वल टू मीन, क्योंकि एवरेज में भी हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन में भी हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्लास मार्क विल बी इक्वल टू प्लस लोअर लिमिट अपॉन टू। ठीक है, तो हम सारी जो हमारी क्लास इंटरवल है उसके लिए क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। सारे के लिए हमने क्लास, तो एक्स वन के लिए हमारे आया 310, एक्स टू के लिए 330, एक्स थ्री के लिए 350, एक्स फोर के लिए 70, एंड एक्स फाइव के लिए 390। ठीक है, अब ये जो हमें हमारे कितने हैं, हमारे हैं फाइव क्लास इंटरवल हैं। अब हमें डीआई चूज़ करना है, तो हम किसको चूज़ करेंगे, मैंने बताया था मिडिल वाले को चूज़ करेंगे। ठीक है, एस अगर इवन है तो उसमें आप जो मिडिल के टू होते हैं उनमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, और जब हमारे ऑड का केस होगा तो कोशिश करिए मिडिल वाले को ही चूज़ करें। ठीक है, सो अब हमने क्या करा, हमने इसमें जो क्लास इंटरवल थी, जो हमने क्लास मार्क्स निकाले उनके, हमने उन पांच क्लास मार्क्स में से कौन सा चूज़ करा, मिडल वाला, दैट इज़ 350। इसको हमने किसके इक्वल रख लिया, ए के। अब हम जितने भी हमारे एक्स आई हैं 310, 330, 350, 370, 390, सब में से हम 350 सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे सब में से सबट्रैक्ट, बिल्कुल कर लेंगे। तो हमारे कितने आएंगे, एक्स वन के लिए आएगा -40, आएगा -20, एक्स थ्री के लिए आएगा 0, एक्स फोर के लिए आएगा 20, एंड एक्स फाइव के लिए आएगा 40। चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि हमारे जितने भी जो आ रहे हैं, जो हमारी डी आई आ रही है, ये जो हमारे जितने भी डी आई आई हैं, ये क्या हैं, ये सारे ही 20 के मल्टीपल हैं। ठीक है, हैं 20 के मल्टीपल, और 20 हमारे क्या है, 20 हमारा जो है जो हमारा जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस भी हमारा कितना है, वो भी हमारा 20 है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये वाला केस ध्यान में रखनी है। अभी हमने ये चीज़ देखी, तो हमारे जितने भी डी आई आ रहे हैं वो क्या हैं, वो सब किसके मल्टीपल हैं, 20 के मल्टीपल हैं, और 20 हमारे क्या है, जो हमारी क्लास इंटरवल है उसमें अपर लोअर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमें ध्यान नहीं देना है, ये हम नेक्स्ट मेथड में देखेंगे, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सो हमने इसकी डी आई निकाल ली, एक्स आई निकाल ली, डी आई निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, समेशन ओवर एफ आई डी आई, ठीक है, अपॉन समेशन ओवर एफ आई। ठीक है, तो हमें समेशन ओवर एफ आई क्या मिल गया, 30, एंड समेशन ओवर एफ आई डी आई क्या मिल गया, -200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज जो हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि ए हमें पता है 350 है। ठीक है, समेशन ओवर एफ आई डी आई 200 है, एफ आई क्या है हमारा 30 है। सारी वैल्यूज जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 343.3, कितना आ जाएगा, 343.33, दैट विल बी इक्वल टू, हम कह सकते हैं इसको इक्वल, क्योंकि ये 0.33 है ना, तो इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, इसको हम और भी लिख सकते हैं 343। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हमारा पॉइंट के डिजिट होती है, इफ़ इट इज़ लेस देन 5 देन वी कैन राउंड ऑफ इट टू इट्स। ओके, सो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 343 भी लिख सकते हैं। The average attendance in the school is 343 students per day. अब स्टूडेंट्स भी कोई पड़ी होंगे है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख देंगे, राउंड ऑफ करके हम इसको 343 लिख देंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये क्या, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऊपर, जो हमारे जितनी भी डी आई आ रही हैं वो किसके इक्वल आ रही हैं, जो हमारे क्लाइज है उसके मल्टीपल में आ रही हैं। ठीक है, उसका मल्टीपल है, हमारी जितनी भी डी आई आ रही हैं वो किस है, वो क्लास साइज का मल्टीपल है। तो इस फॉर्मूला में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स आई माइनस ए जो था हमारा डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए, उसको हमें क्या कर देना है, उसको एच से, एच के होता है हमारा क्लास साइज। ठीक है, एच को हम किससे, क्लास साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो हमें क्या करना है, जो हमारा डी आई होगा उसे हमें कुछ नहीं करना है, बस एच से डिवाइड कर, मीन्स क्लास साइज से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारे क्लास साइज के मल्टीपल ही तो हैं सारे, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे सारे को तो कुछ होने वाला है।
ओके सो जो हमारा है ये जो नया हमारा वो बनेगा रिलेटेड डी आई अपन से एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे यू आई से, ठीक है। सो हमारा जो न्यू फार्मूला बन के आएगा वो आएगा एक्स बार दैट इज़ मीन इक्वल टू ए प्लस यू बार, ठीक है। और जो हमारा फार्मूला पूरा आएगा वो क्या होगा, ए प्लस एच केट समेशन ओवर एफ आई यू आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, वेयर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। इतनी हुई, यस। इज द फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू क्लास मार्क्स इज, तो एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क एक्स आई, ठीक है। एफ आई जो हमारी क्या होगी, वो हमारी एक्स आई के करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ए इज द एज्यूम्ड मीन एंड क्लास साइज, और ए हमारा क्या होगा हमें पता है, एज्यूम्ड मीन होगा, और जो हमारा एच होगा वो क्या होगा, दैट इज आवर क्लास। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हमें डेटा दिया हुआ है, हमें मीन फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे जो हमारी एक्स आई आएगी वो बहुत बड़ी होगी, ठीक है। जो हम फिर जो अगर हम एफ आई और एक्स आई का अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बहुत बड़ा निकल के आएगा, ठीक है। और इनफैक्ट अगर हम एफ आई और डी आई का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा करने पर। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे एफ आई एंड यू आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। सो ये जो हमें टेबल दी हुई है इसको हम दोबारा से बनाते हैं। क्लास साइज़ क्या है हमारा, 200 है क्लास। अब सोचिए जो हमारी 200 है तो बाकी सब चीज़ें हमारी कितनी ज़्यादा ज़्यादा निकल के आएंगी, है ना। सो हमारा जो क्लास इंटरवल है उसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। सेकंड के लिए 2 है, थर्ड के लिए 3 है, फोर्थ के लिए 8 है, फिफ्थ के लिए 3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्लास मार्क्स निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्लास मार्क ही निकालना होता है, ठीक है। दैट इज़ क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, अपर लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमने सारी क्लास मार्क्स निकाल ली, देन हम क्या फाइंड करेंगे, धरेंगे डी आई, ठीक है। डी आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए, और ए कहाँ से आएगा हमारा, जितने भी हमारी क्लास मार्क होंगी उनमें से मिडिल वाला टर्म, ओके। तो ये भी हम निकाल लेंगे, डी आई भी हम निकाल लेंगे। अब जो है हम यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन एच, ओके। दैट इज डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन दैट इज क्लास साइज, ठीक है। सो हमारा करने पे जो हमारे यू आई आ जाएगा, फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए -2, सेकंड के लिए -1, थर्ड के लिए 0, फोर्थ के लिए 1 एंड फिफ्थ के लिए 2। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारा जो यू आई है वो कितनी छोटी वैल्यू आ गई हमारे लिए मल्टीप्लाई का होगा फ्रीक्वेंसी से। सो एफ आई एंड यू आई फॉर क्लास इंटरवल 1 विल बी इक्वल टू -8, फॉर सेकेंड इट विल बी इक्वल टू -2, थर्ड इट इज 0 एंड फॉर फोर्थ इट इज 8 एंड फॉर फिफ्थ इट इज 6, ओके। सो जो हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम होगा दैट इज समेशन ओवर एफ बी इक्वल टू 20 एंड समेशन ओवर एफ आई यू आई विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे अपने, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि ए जो हमारा था वो कितना था, 1100 था हमारा ए, कितना था 200 था, बाकी हमने सारी वैल्यूज पुट करी, दैट इज 4/20 समेशन ओवर एफ आई यू आई अपन समेशन ओवर एफ आई। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, दिस द रिक्वायर्ड मीन इज 1100, ठीक है। अब सोचिए इस मेथड से हमें कितना आसान हो गया, वरना हमारा सारा कुछ प्रोसेस कितनी सारी मल्टीप्लीकेशन होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टेप डिविजन मेथड का यूज़ करते हैं। अब हमने कौन कौन से मेथड पढ़ लिए, लेट मी रिमाइंड, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड दैट इज समेशन ओवर एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई, एंड सेकेंड इज आवर एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या था, ए प्लस समेशन ओवर एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, और थर्ड जो हमारा है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्या है, ए प्लस एच ब्रैकेट समेशन ओवर एफ आई यू आई अपॉन समेशन ओवर एफ आई। हमने तीनों मेथड पढ़ लिए है, अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा। यस, द एज्यूम मीन मेथड एंड द स्टेप डिविजन मेथड आर सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। जो हमारा एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डिविजन मेथड है, ये क्या है, ये हमारे कुछ नहीं है, बस हमारे जो डायरेक्ट मेथड है उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हैं। द मीन ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 3 मेथड, और अब हम किसी भी मेथड से मीन निकालें तो हमारा क्या आएगा, अब हम मीन विल बिकम ओके, क्योंकि क्या है, ये भी तो, ये जो हमारा एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डिविजन मेथड है, ये भी तो हमारे डायरेक्ट हैं, सब सिंप्लीफाइड फॉर्म्स ही तो हैं। सो हमारा जो मीन निकल के आएगा इन तीनों मेथड से वो क्या
होगा, यू कैन चेक दैट। स्टेप डिवीजन मेथड इज कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल डी आई हैव, ठीक है। और जो हमारे स्टेप डिवीजन मेथड होता है उसको हम कभी यूज़ करते हैं, जो हमारे जो जितनी भी डी आई होती हैं जो कॉमन फैक्टर होता है वो सेम होता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर केस में देखा सारी डी आई का कॉमन फैक्टर 100 था, ठीक है। और जो हमारा और उससे ऊपर वाला केस था, जो हमारा एज्यूम था, एज्यूम मीन मेथड वाला, उसमें क्या था, जो हमारी जितनी भी डी आई थी उनका कॉमन फैक्टर क्या था, 20 था। हमने देखा, हमने भले ही उसमें स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं किया था, बट हमने ये चीज़ देखी थी जो हमारे डी आई है उनका कॉमन फैक्टर 20 है। और जो हमारा स्टेप डिवीजन मेथड था अभी हमने देखा उसके एग्जांपल में, जो हमारा डी आई का कॉमन फैक्टर था वो था, ठीक है। तो स्टेप डिवीजन मेथड हम कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमारे डी आई के सारे फैक्टर्स डी आई का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सेम होता है सारी डी आई का, ठीक है। इफ़ द क्लास साइज आर अनइक्वल एंड एक्स आई आर न्यूमेरिकली लार्ज, देन द स्टेप डिवीजन इज स्टिल एप्लीकेबल बाई टेकिंग एच टू बी सुटेबल डिवीजर फॉर ऑल द डी आईज, ठीक है। और हम उसके इसमें कर सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या हो, क्लास साइज अनइक्वल हो, ठीक है। बट जो हमारे एक्स आई की वैल्यू हो न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डी आई को एक कॉमन फैक्टर से, सारी डी आई को हम फैक्टर से डिवाइड करके हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द मोड ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का तो हमें पता था, हमें बस ये देखने लिए कि कौन से नंबर की हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वही हमारा मोड हो जाता था, ठीक है। द मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द ऑब्जर्वेशन फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, ठीक है। हमारे जो मोड होती थी एंड ग्रुप डेटा की, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, बट मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज डिफरेंट, ठीक है। जो होता है हमारा ग्रुप डेटा का वो डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, कैसे, एल ब्रैकेट एफ जीरो अपॉन 2fi माइनस f0 माइनस f2 क्लोज इन टू h। अब लग रहा होगा बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला है ये, पहले तो कभी नहीं पढ़ा ये फॉर्मूला, ठीक है। कुछ डेंजरस नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे l जो होता है वो होता है लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है, देखेंगे मॉडल क्लास क्या होता है हमारा। h क्या होता है, साइज ऑफ क्लास। H को हम किससे डिनोट कर, साइज ऑफ क्लास को हम किससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट H से, ठीक है। हमने ऊपर भी देख लिया था, एज्यूमर ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल। fi क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास। एंड f0 क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल। एंड f2 क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, जिसकी हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा मॉडल क्लास होगा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी अनग्रुप डेटा में वो हमारा मोड हो जाता था डायरेक्ट। बट इस केस में जिस हमारी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम आवर मॉडल, ओके। सो अगर हम यहाँ पर लोअर लिमिट की बात करें, तो हमारे एग्जाम्पल में जो लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास, पहली बात तो ये देख लें कौन सा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है, 15 to 20 वाले मॉडल क्लास, सॉरी 15 to 20 वाले, ठीक है। सो ये हमारे क्या हो जाएगी, जो फोर्थ वाली है ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। सो अगर हम इसका मोड निकाल लें, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट इज़ एल प्लस f0 अपॉन 2fi माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर, सबसे पहले हम एल रखते हैं, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट विल बी इक्वल टू 15, क्योंकि हमारी मॉडल क्लास क्या है, 15 to 20 है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अब हमारे क्लास इंटरवल का साइज क्या है, 5 है, ठीक है। हमारा जो क्लास इंटरवल का साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5, बिल्कुल हो जाएगा। f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, अब जो हमारी मॉडल क्लास थी वो कौन सी थी, 15 टू 20 वाली थी, सो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, पुट कर दी हमने। अब जो हमारे f0 होता है, ये क्या होता है, जो हमारी मॉडल क्लास है उससे जस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जो हमारे f0 होता है वो क्या होता है, हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट सो जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 7 है। और f2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी
ठीक है, तो अगर हम सारी वैल्यूज उसमें पुट करें सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आवर मोड विल बिकम 16.875। ठीक है, अब ये देखिए 16.875 जो ये कहाँ लाई करेगा, ये 20 के मिडल में, तो मींस 15 और 20 के बीच में तो कहीं होगा, 15, 16, 17, 18 के पास में ही तो होगा। ठीक है, सो हमारी जो मॉडल क्लास होती है हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे जहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो हमारी मॉडल क्लास होगी, और जो हमारा मोड आता है कहाँ होता है, वो मॉडल क्लास में ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मोड का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, मोड चीज़ है, बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मीडियन ऑफ डेटा। ओके, सो मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा इज गिवन बाय एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एफ। ये भी बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला, बट नया कुछ भी नहीं है, इसमें सब पुराना ही है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें पता है, एल हमें पता है, भी हमने लोअर लिमिट, एच भी हमें पता है, क्लास साइज होता है, एन भी हमें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, एफ हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है, क्या है बस लगा देना है सभी को। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है, जस्ट फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड करते जाते हैं, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है और कौन सी लोअर लिमिट यूज़ करनी है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जैसे यहाँ पर मॉडल क्लास पढ़ा था, यहाँ भी मीडियम क्लास होती है। ठीक है, एंड तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा सिंपल है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मीडियम क्लास। ठीक है, और जो हमारी मीडियम क्लास होती है उससे जस्ट पीछे वाली जो होती है हमारी, वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो ली जाती है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जो हमारी मीडियम क्लास हो हम फ्रिक्वेंसी ले लें, उससे जस्ट एक प्रेसीडिंग की फ्रिक्वेंसी ली जाती है। एंड एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास एंड एस साइज। ठीक है, क्लासेस हमारे इक्वल होगा। सो ये जो हमारी टेबल दी गई है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करनी है, मीडियम है। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सबसे पहले तो हमने क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 40 हैं, तो एन बाई टू हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम ये देखते हैं हमारी मीडियम क्लास कौन सी है, ये हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसे हमें क्या कर देना है, उसे हमें कर देना है 2 से डिवाइड। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यू आएगी हमें ये देखना है कि वो किसके बाद आ रही है। ठीक है, किसके बाद आ रही है जो हमारी वैल्यू है, और किसके बाद मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कौन से डिजिट के बाद आ रही है, कौन से डिजिट के पहले आ रही, मीन्स किसके मिडिल में आ रही है वो। हमारी जो एन बाई टू था वो कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कहाँ आ रही है, 15 के बाद जस्ट पहले आएगी। सो हमारी मीडियम क्लास कौन सी हो जाती है, जो जिसके बिल्कुल जस्ट बाद आ रही होती है, मीन्स किसके बाद आ रही है, 15 के बाद आ रही है। ठीक है, और किससे आ रही है, 21 से पहले आ रही है। सो यहाँ पे हमारी गई हमारी मीडियम क्लास क्या हो जाएगी, ये हमारी मीडियम क्लास हो जाएगी थर्ड वाली। ठीक है, क्योंकि 20 के जस्ट बाद वाली 21 वाली, ठीक है, जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 21 है। सो हमारे यहाँ पे जो हो जाएगी जो हमारी वो हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वन मिनट, नो नो नो, हाँ 15 के जस्ट ही आ रहा है ना, हाँ 15 के जस्ट बाद 20 आ रहा है। सो हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 15, उससे ज़्यादा है 20। ठीक है, किससे ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, बट किससे कम है, 21 से कम है। सो हमारे जो हमारी मीडियम क्लास होगी वो कौन सी, वो हो जाएगी हमारी 15, नहीं 21 ही होगी, बताओ क्यों, क्योंकि हमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी पीछे क्लास वाली ली जाती है। ठीक है, और जो हमारी लोअर लिमिट होती है वो क्या ली जाती है, जो हमारी मीडियम क्लास की ली जाती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, कभी भी फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास वाली नहीं लेनी है। ठीक है, और मीडियम क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे, एन बाई टू। ठीक है, और एन वाई टू जो हमारे जितना भी आए उससे जस्ट बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी मीडियम क्लास हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, यस सॉरी सॉरी, मैं भी बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी अभी। ओके, सो अब ये बात क्लियर, मीडियम क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम मीडियम क्लास पता चल गई, सो हमें लोएस्ट सॉरी अर्ली भी हमें पता चल गई। ठीक है, एन बाई टू भी हमें पता चल गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है, जस्ट प्रीसीडिंग वाली ली जाएगी मीन्स 15 ली जाएगी, एंड फ्रीक्वेंसी हमें ली जाएगी मीडियम क्लास की ली जाएगी। सो जब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में अपने मीडियम फाइंड करने के, तो क्या आ जाएगा, दैट इज़
55.66 अप्रॉक्स। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर? बिल्कुल हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई थिंक ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे था, और इस बार का जो हमारा सिलेबस है उसमें ये मेंशन नहीं है कि ये टॉपिक्स हैं या नहीं है। ओके, देख लेते हैं एक बार इसको भी। ओजीव, ठीक है, ऑफ लेस देन टाइप। एग्जांपल वन क्या है, ये हमारा ग्राफ होता है उसको हम ओजीव बोलते हैं। ओके, ड्रॉ ओजीव ऑफ लाइफ फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका हमें ओजीव फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। By taking horizontal axis as the upper limit, upper class limit, and the vertical axis as the corresponding cumulative frequency for the each upper class limit. ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारा horizontal होगा उसको हम upper class limit ले लेंगे, and जो हमारा vertical axis होगी उसको हम क्या ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे cumulative frequency. ठीक है, corresponding frequency. अब क्या करेंगे, जो हमारी इस पर required होगी वो हम इसमें ड्रॉ कर देंगे। मींस हमारा जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि हमें अपर क्लास लिमिट पता है और जो फ्रीक्वेंसी है करस्पॉन्डिंग वो हमें पता है कि कौन सी जो हमारी अपर क्लास लिमिट है उसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मेंशन करेंगे ग्राफ में, सो हमें सारे जो हमारा ग्राफ होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे और उनको टाइप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता था, हम इसको स्टार्टिंग से मीन्स ओरिजिन से कनेक्ट, एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट होता था जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हो रहा होता था वहाँ से कनेक्ट कर देते थे। सो दैट वो हमारा बन जाता था, वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो जाता था। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल है, ये हमारा सिर्फ लाइन की तरह है, लाइन ग्राफ है ये, और इसको हम ओजीव बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ओजीव ऑफ मोर देन टाइप। ये कैसे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ओजीव ऑफ मोर देन टाइप फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका हमें ओजीव ड्रॉ करना है फॉर ऑफ मोर देन टाइप। अभी हमने कौन सा देखा था, लेस देन टाइप। करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे क्या लेते हैं, अपर क्लास लिमिट, एंड जो हमारा वर्टिकल एक्सेस होता है उस पर हम क्या लेते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्सेस होगा उस पर हम लेंगे लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल एक्सेस होगा उस पर हम क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव। ठीक है, एक्सटर्नल साउंड है, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, मैं भी बहुत परेशान हूँ साउंड से, बट कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अब जब हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है सो हमें मीन निकालना हो, मोड निकालना हो, मीडियन भी निकालना हो, हमें सबसे पहले तो एक टेबल ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे हमें ग्राफ बनाना हो, मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, कुछ भी करना हो, सॉल्व करना हो, कुछ भी करना हो, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लोअर क्लास लिमिट हमने इसका भी कॉलम बना दिया है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। ओके, और क्या करा हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेना है, लोअर क्लास लिमिट, वर्टिकल एक्सिस पे करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सारे जो हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं उनको हम सारे को प्लॉट कर दे ईच लोअर क्लास लिमिट के लिए। देन हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड ओजी ऑफ मोर देन टाइप। ठीक है, हमें बट एक बात ध्यान रखनी है इसमें, जो हमारा मोर देन टाइप होता है उसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेते हैं, लोअर, और जो हमारा लेस देन वाला होता है उसमें हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ओके, नोट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन लेस देन ओजीव ऑफ अ गिवन ग्रुप डाटा गिव्स इट्स मीडियन। ठीक है, जो हमारा नेट होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी ये जो जो हमारा, अगर हम ले मोर देन ओजीव वाला, लेस देन ओजीव वाला ग्राफ, तो ये दोनों अगर हम दोनों एक ही ग्राफ पर प्लॉट करें तो जहाँ पे ये दोनों हमारे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारा, वो हमारा क्या होगा, वो जो हमारा गिवन डेटा होगा उसका। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा क्या है, इम्फेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, ये जो हमारी क्या होती हैं, हमारी होती हैं सारी सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। ठीक है, मेन मोड मीडियन, इनके बीच का एक रिलेशन भी है, आई थिंक एनसीईआरटी में पता नहीं है या नहीं, मैंने चेक नहीं किया है, बट हमारे पीडीएफ में है तो एक बार देख लेते हैं। दैट इज
थ्री टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोर टू टाइम्स मीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या, हमें इससे क्या मिल जाता है, अगर हमें फॉर मीन एंड मोड दे रखा है सो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, हम उससे मीडियन निकाल सकते हैं। एंड मीडियन दे रखा है देन हम उससे मीन निकाल सकते हैं, एंड मीडियन एंड मीन दे रखा है देन हम उससे मोड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप। ओके, सो द इम्फेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज थ्री टाइम इज इक्वल टू मोड प्लस टू टाइम्स मीन। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। If you mention in the comment section, I hope you understood this chapter. And if you have any query, then you can mention. Also, tell me that how you like the video. Like the video, share the video, subscribe to the channel. And the good news is that that chapter is left. So we will cover it in next one day. And try to upload as much as soon as possible. So till then, take care. Bye bye. Jai Hind, Vande Mataram.